अटेर का किला एक विशाल शानदार और मध्ययुगीन किला है। ये किला चंबल नदी के उत्तरी किनारे पर मौजूद है और अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने रहस्य के लिए भी ये विख्यात है। अटेर का किला चंबल नदी के किनारे एक ऊंची जगह पर बना हुआ है। इसका जिक्र महाभारत में भी हुआ है। महाभारत में जिस देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख मिलता है, ये किला उसी पहाड़ी पर मौजूद है। इसका मूल नाम देवगिरी दुर्ग है। इस किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 ईस्वी में शुरू करवाया था। भदौरिया राजाओं के नाम पर ही भिंड क्षेत्र को पहले बधवार भी कहा जाता था। चंबल नदी के किनारे बना ये किला भदावर राजाओं के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करता है। भदावर राजाओं के इतिहास में इस किले का बड़ा ही महत्व है। ये हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। खूनी दरवाजा, बदन सिंह का महल, हथिया पोर, राजा का बंगला, रानी का बंगला और बारह खंबा महल इस किले के मुख्य आकर्षण केंद्र हैं। लेकिन इस महल की सबसे चर्चित जगह है खूनी दरवाजा। भदावर राजाओं की शौर्य गाथाओं के प्रतीक लाल दरवाजे से ऐतिहासिक काल में खून टपका करता था। इस खून से तिलक करने के बाद ही गुप्तचर राजा से मिल पाते थे। आज भी इस दरवाजे को लेकर किंवदंतियां जिले भर में प्रचलित हैं। खूनी दरवाजे का रंग भी लाल ही है। इस पर ऊपर वो जगह आज भी चिन्हित है जहां से खून टपकता था। भदावर राजा लाल पत्थर से बने दरवाजे के ऊपर भेड़ का सिर काट कर रख देते थे। दरवाजे के नीचे एक कटोरा रख दिया जाता था और इसी बर्तन में खून की बूंदें टपकती रहती थी। गुप्तचर बर्तन में रखे खून से तिलक करके ही राजा से मिलने जाते थे। उसके बाद वो राजपाट और दुश्मनों से जुड़ी अहम सूचनाएं राजा को दिया करते थे। आम आदमी को किले के दरवाजे से बहने वाले खून के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। अटेर दुर्ग के तलघरों को स्थानीय लोगों ने खजाने की चाहत में खोद दिया। अटेर निवासी बताते हैं कि दुर्ग की इमारत को स्थानीय लोगों ने ही खोद दिया है। इसकी दीवारों और जमीन को खजाना पाने की चाहत में सैकड़ों लोगों ने खोदा है, जिसकी वजह से किले की इमारत आज जर्जर हो गई है। न्यूज़ रूम पोस्ट के लिए प्रशांत भारद्वाज की रिपोर्ट।